अरे राजशी, तूने अच्छे के ये हार ले लिया। तू जेठानी है, अरे तन्ने क्यों झुकना पड़े देवरानी के सामने? उसे थारी सुननी चाहिए, लेकिन वो तो बराबरी करती है तेरी। भला जेठानी और देवरानी में कैसी बराबरी? इस घर में सबको थारी बात माननी चाहिए। मानते हैं माँ, सब मेरी बात मानते हैं। और छोटी छोटी मेरी बहन की तरह है। अरे तू रिश्तों में गोलमोल मत किया कर। देवरानी को बहन बनाकर सिर पे चढ़ा के रखा है, तू उसे दबा के रखा कर। अरे बात बात में छोटी छोटी कहती फिरती प्यार से, क्यों भला? हाँ नहीं तो क्या, जरा अकड़ के रहना सीख राजश्री, अपनी जगह बना के रख। माँ, आप कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। तू जानती भी है? अरे मैंने दुनिया देखी है, इसलिए बोल रही हूँ। वो माँ मैं भूल ही गई, धनिया से सामान निकलवाना है गोदाम से, मैं जाती हूँ जरा। अरे खोलो, मैं हूँ। मैं कौन? मैं राम भक्त हनुमान। हनुमान जी आए। आइए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान। बालक खुश रहो, उठ जाओ। वेरी गुड अंशु, आगे ऐसे ही करते रहना। थैंक यू पूजनीय जीजू। अच्छा भाभी, दीदी ने कहा कि आप उनकी साड़ी ले सकती हैं। ठीक है। और जीजू, दीदी तो मुझसे बार बार पूछ रही थी कि सीता कौन है, सीता कौन है। फिर अंशु तुमने कुछ बता तो नहीं दिया? नहीं नहीं जीजू, फिकर नॉट, मैंने उन्हें बिल्कुल नहीं बताया। कहा कि मेरे पीछे भाग के मुझे पकड़ो, तो बताओ वो तो भागती रह गई और मैं ऊपर आ गया। बड़ा मजा आ रहा था। हाँ ये ठीक रही। सीता माता के लिए ये साड़ी कैसी रहेगी? सीता जी के लिए ये साड़ी, मैं कुछ और देख लेता हूँ। एक मिनट अश्विन। ये वाली कैसे रहेगी? ये साड़ी तो सीता जी के लिए बहुत अच्छी लगेगी। हाँ ये बहुत अच्छी लगेगी। हाँ चलिए, सब कुछ फाइनल तो हो गया, सीता भी फाइनल और उनकी साड़ी भी फाइनल, और कुछ कैरेक्टर्स भी। जीजू अब तो हम हमारे लालचा शुरू करें। अब हम सीता स्वयंवर के आरंभ की घोषणा करते हैं। बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग ये सोच लेते हैं कि आगे क्या करना है। हम लोग राम जी के वनवास जाने वाला प्रसंग करें। हाँ, हाँ। फिलहाल इसको हटा। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे मैं कर रहा हूँ ना। अरे ऐसी हालत में कुछ हो गया तो? अरे कुछ नहीं होगा, मैं करता हूँ। अभी नानी को फोन करके बताती हूँ, नानी खुश हो जाएंगी मुझसे। हाय राम, अब नानी को फोन कैसे करेंगे? सुबह भी हमें भाभी ने पकड़ लिया था। ये निगोड़ी फोन बजती क्यों नहीं? चल तो रहा है। कहीं ये भूल तो नहीं गई? नंबर कहाँ गया? हाँ मिल गया। द्वारा डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है। अरे थारी अक्कल मौजूद ना है। नहीं तो क्या, चार बातें बुलवाई लेते मुझसे।
किसको फोन कर रही है माँ जी? अब थारे से पूछ के फोन करूंगी क्या? हाँ, थारी आज्ञा लेनी पड़ेगी मन्ने। नहीं नहीं माँ जी, मेरा वो मतलब नहीं था। मारी उम्र में किस बात के पीछे कौन सा मतलब छुपा था खूब जानू। हाँ नहीं तो क्या, मैं तो सिर्फ आपकी मदद करना चाहती थी माँ जी। अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। कल की छोरी मारी मदद करेगी। तुम्हारी माँ का फोन था बहू, कह रही थी कि वो लोग दादाजी के लिए कुछ नाटक कर रहे हैं, कोई रामायण का प्रसंग है, तुम भी शामिल हो जाओ। अच्छा, प्रसंग कर रहे हैं, तब तो बहुत मजा आएगा। वैसे महेश्वरी और सिंघानिया मिलजुल के सब कुछ करते हैं ना? हाँ माँ, वो तो है। हमें तो वो बाहर वाला समझते हैं, पर क्यों ना समझे, हम उनकी बराबरी के जो नहीं है। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। बहू, अब जो बात है सो है, उसे छुपाने से क्या फायदा। उन लोगों ने नाटक के लिए तुम्हें बुलाया है, अगर हमें अपना समझते तो मेरी कोयल को भी बुलाते। खैर ठीक है, तुम चली जाना। नहीं माँ, मैं नहीं जा पाऊंगी, घर में इतने काम भी हैं। दादाजी आप आ गए? ना घर पे क्या कर रहे हो? दफ्तर भी ना पहुंचे हो, कितनी प्रतीक्षा की हुआ और तोहफे देने भी ना गए हो, कर क्या रहे हो आठे? दादाजी वो कमरे में है। ओ दादाजी, वो क्या है कि नैतिक तोहफे देने इसलिए नहीं आए क्योंकि मुझे ये तोहफे गिफ्ट रैप करने में टाइम लग गया, बहुत सारे तोहफे थे ना, इसीलिए अभी भी कर रही हूँ। अरे तो ठीक है, दफ्तर आ जाता, पता है छोरे ने कितने काम पड़े हैं। लापरवाही मने बिल्कुल ना भावे है, समझाना पड़ेगा। दादाजी यहाँ आप अब सब लोग सुनिए, सीता जी यहाँ पर खड़े होकर अपने डायलॉग्स बोलेंगे। ओके okay. और बोला भैया आप इधर आइए, राजा जनक यहाँ पर होंगे और श्री राम जी यहाँ पर। चलो और बाकी और मैं कहाँ चला रहा हूँ? अंशु अभी तुम्हारा पार्ट शुरू नहीं हुआ है, अभी आराम से बैठो। ओके चलो चलो, अब जल्दी से सब ऐसे ही ऊपर से पहन लो कॉस्ट्यूम। हाँ वैसे भी कॉस्ट्यूम्स के साथ ही फीलिंग आएगी, तो आप लोग सब जल्दी से पहन लीजिए, हमारे पास वक्त बहुत कम है। दादाजी वो ऊपर कमरे में है, शौर्य दादू और वर्षा आए हैं तो वो उन्हीं के साथ बैठ गए। आप कमरे में जाइए ना, मैं उन्हें आपके पास भेजती हूँ। तो जल्दी भेजवाने। प्राणनाथ, मुझे आपके साथ 14 वर्ष का वनवास स्वीकार है, मैं आपकी अर्धांगनी हूँ, मुझे साथ ले चलिए प्रभु। सीता की रिहर्सल किसको करवा रहे? बोला भैया अपनी लाइनें ठीक से याद रखिएगा। जी वर्षा। सीते आप वन के कठिन जीवन से अनभिज्ञ हैं सीते, इसीलिए हम चाह
गुलाब चुप, तुम जाके अपना काम करो। अरे चुप। भाभी, अब आपको पता चला हमारी सीता कौन है? कैसी लगी आपको हमारी सीता? हमारी सीता तो एकदम वर्ल्ड बेस्ट है, वर्ल्ड बेस्ट। ये सब क्या है नैतिक? आपने तो सीता का रोल करने से मना कर दिया है, तो मैंने सोचा कि मैं ही कर लेता हूँ। ये प्ले हमें हर हाल में करना है। और वैसे आप यहाँ क्या कर रही? हम लोग तो यहाँ पे रिहर्सल्स कर रहे हैं। अरे हाँ, वो दादाजी आ गए, आपको ढूंढ रहे हैं। आप जल्दी से जाइए, पूछ रहे थे आप ऑफिस पे क्यों नहीं गए, ऊपर आ जाएंगे वो वरना। मैं भी आता हूँ। अब हम सीते स्वयंवर के आरंभ की घोषणा करते हैं। हाँ हाँ, बोला अभी करते हैं, रुको। दफ्तर कहने आयो? कितने सारे काम पड़े हैं, कैसे होंगे? दादाजी वो आज सारे गिफ्ट पैक ही नहीं हो सके, तो मैं वेट ही करता रह गया। अरे जी, काम ना होयो था तो दफ्तर आ जाता। अठे काय कर रहे हो था? दादाजी वो हम प्रैक्टिस। दादाजी वो अक्षरा और रश्मि को ठीक तरह से गिफ्ट पैक करने नहीं आते ना, तो वो लोग आज प्रैक्टिस कर रहे थे। मने थारी कोई भी बात समझ ना आवे है। और फिर माँ ने बाजार से सामान मंगवा लिया, ऊपर से दादू आ गए, तो बस उनके साथ भी बैठ गया, दिन सारा ऐसे ही निकल गया था। कल से सवेरे से ही तुम्हारे साथ दफ्तर आवेगा। अरे कितने सारे काम पड़े हैं, इस बार लापरवाही ना करियो, समझा? जी दादाजी, कल सुबह मैं पहले ही सारे काम कर लूंगा। अब मैं जाऊं? आप बता सकती हैं कि हमने साड़ी में सीता बने किसे देखा? अरे क्यों ऐसे जा रहे हो, बताओ तो किसे देखा? दादा को। साड़ी पहनकर सीता बनकर खड़े थे दादा। क्या बोल रही है गुलाबो, मजाक कर रहा होगा वो। माँ सच में दादा ही सीता बनेंगे? मेरा भाभी माँ, नानी ने क्या कहा था, उनके जमाने में लड़कियाँ नाटक वाटक में हिस्सा नहीं लेती थी, लड़के ही सब करते थे, तो इसलिए दादा ने सोचा वही परंपरा सही। वैसे दादा मेकअप में, गहने और साड़ी में कैसे लगेंगे ना, जरा सोचिए। वैसे गुलाबो दादा क्यूट लग रहे थे, है ना भाभी? नहीं नहीं, उसे मना करो, उसे कहो किसी और को बनाए सीता। माँ आप एक बार चल के देखिए तो। मुझे नहीं देखना, सोचिए तो कैसा लगेगा। हद कर रहा है मुन्ना, उसने तो कहा था राम बनेगा, अब सीता क्यों बन रहा है? बहू ने सीता बनने से मना कर दिया, इसलिए मजबूरी में कर रहा होगा। बहू तुम क्यों जिद लेकर बैठ गई हो, तुम सीता बन जाओगी तो बेचारी मुन्ना को ये सब तो नहीं करना पड़ेगा ना। हाँ भाभी, आप सीता बन जाइए, आपकी और दादा की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, एटलीस्ट दादा और शौर्य दादू की जोड़ी से। लेकिन घर में बहुत काम है, सारे काम रह जाएंगे। अब गुलाबो आ गई है ना, सब हो जाएगा। देख लो बहू, कर सकती हो तो कर लो। भाभी माम चलिए रसोई में देख लेते हैं महाराज जी क्या कर रहे हैं। चल गुलाबो। प्लीज भाभी। हे हनुमान जी, कोई मारे लायक सेवा। माँ और भाभी माँ को पता चल गया है कि दादा सीता बनने वाले हैं। हाँ, और उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, वो चाहते हैं कि भाभी सीता बने। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। भोला भैया। भैया बस करिए भोला भैया, मैं हनुमान नहीं हूँ भोला भैया, मैं अंशुमन महेश्वरी हूँ। Come on everyone, आप लोग सब ऐसे क्यों खड़े, रिहर्सल्स क्यों नहीं कर रहे? हम सीता के स्वयंवर की घोषणा करते हैं। एक मिनट भोला भैया, आज हमें जितनी भी रिहर्सल्स करनी है कर लीजिए, कल हमारे पास वक्त नहीं होगा। क्यों जमाई साहब, कल क्यों नहीं प्रैक्टिस करेंगे?
दादू कल मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है, लेकिन पीछे से आप लोग ये रिहर्सल जारी रखिएगा। क्यों अंशु? जीजू मुझे मेरा डायलॉग तो बता दीजिए। अंशु तुम्हें बताया तो था, एक मिनट रुको। सुनो, श्री राम जी का संदेश लेकर जब हनुमान अशोक वाटिका जाते हैं तो मैं ऐसे पेड़ पर चढ़ूंगा और अंगूठे गिरा दूंगा। वेरी गुड अंशु। और सीता जी वहां बैठेंगी। ओके साड़ी डाल लेता हूं। ये ठीक है। चलिए, मेरे कोमल और कृपाल रघुराज इतने निष्ठुर कैसे हो गए? मेरे नाथ मुझे भूल तो नहीं गए? क्या मेरे नैनों को उनके दर्शन कभी नहीं होंगे? ये सब क्या है नैतिक? सब लोग मुझसे नाराज होंगे। आप प्लीज सीता मत बनिए। तो और कौन करेगा? कोई भी, आप किसी और को सीता बना दीजिए। अक्षरा प्लीज आज जाके अपना काम कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। नैतिक? अक्षरा प्लीज हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए। मेरे नाथ मुझे भूल तो नहीं गए? आप मेरी इतनी सी भी बात नहीं मानेंगे? क्या आपने हमारी बात मानी? काफी समय हो गया छोटी, मुझे अभी तक टाइम नहीं। वर्षा तो बहुत थक गई होगी। दीदी आप फिकर क्यों करती हैं? वर्षा के साथ शौर्य है और अक्षरा भी तो है, दोनों उसे थकने नहीं देंगे। हाँ वो तो है, पता नहीं क्यों मुझे छोटी छोटी बात पे घबराहट हो जाती है, लेकिन तू है ना, हमेशा मुझे संभाल लेती है। हाँ छोटी, वो माने जो कुछ भी कहा उसे दिल से मत लगाना। दीदी आप कैसी बात करती हैं? वो हमसे बड़ी है, वो कह सकती है। मैं जानती हूँ उनका दिल साफ है। माँ, माँ, माँ मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब तू जल्दी से जाके मुंह हाथ धो ले, मैं धनिया से कह के तेरे लिए खाना लगवा देती हूँ। जा। बोला भैया आप भी चलिए। जा बोला। बहुत समय लग गया, थक गई होगी ना वर्षा। जा बेटा अंदर जाके आराम कर ले, इससे पहले कि तेरी नानी को तेरे आने की खबर हो तो जल्दी से जाके अपनी कमर सीधी कर ले। हाँ माँ थक तो गई होगी, वैसे भी हमने आज प्ले की प्रैक्टिस डबल की है। अच्छा ऐसा क्यों? काकी क्योंकि नैतिक जी ऑफिस के काम में बिजी हो जाएंगे कल से। अच्छा तो फिर कैसे होगा तुम लोगों का कार्यक्रम? देखो कैसे होता है, नैतिक जी कैसे करेंगे सब। मुन्ना कठे है आया ना अब तलक, अरे बड़े काम है ना, जाने क्या करता रहे है छोरा। लो आ गया। अरे मुन्ना कठे है तू, इतने सारे काम पड़े हैं, राज बनना भी इसी वास्ते सवेरे सवेरे चला गयो। जी दत्ता जी। अरे सुन आ जाने में देर हो जाएगी है। तो क्या मुन्ना भी देर से आएगा? अरे इसने बड़े काम है, कल भी ना आयो था। हाँ दादा जी आज सब कुछ हो जाएगा, गिफ्ट्स भी रखवा दिए, आज सब कुछ चले जाएंगे। चल चल फिर। ये हुआ? कुछ नहीं बस ये। चलिए दादा जी चलिए। तो आज तो बच्चों का मिलना ही नहीं होगा, ये प्रसंग कैसे तैयार करेंगे? ये रिश्ता क्या कहलाता है? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।